दो लोग एक दूसरे से तब मिलते हैं जब उनके रिस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर उन पर चीट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, यही आज की हमारी मूवी की स्टोरी लाइन है। आज की हमारी मूवी अप्रैल स्नो, ये 2005 की कोरियन रोमांटिक मूवी है। आगे से देरी के मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है इंसो, ये फर्स्ट सीन में हमें एक इवेंट के लिए लाइट्स मैनेज करता हुआ दिखता है। रॉक शोज में बीट के हिसाब से जो लाइट्स बदलते हैं, इसी इंस्टॉलेशन का काम इंसो का है। ये काम पर था और अचानक से इसे कॉल आ गया, वे जल्दी से वहां से निकल गया। इसके बाद डायरेक्टली वो हॉस्पिटल में आया हुआ हमें दिखता है। इमरजेंसी रूम के बाहर वो वेट कर रहा था और वहां हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सुयंग, ये हमें दिखती है। सुयंग भी इंसु की तरह ही डिस्टर्ब है। कॉल आने के बाद जिस तरह से इंसु डिस्टर्ब्ड है, उसी तरह से सुयंग भी है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि इंसु की वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था। सुयंग डिस्टर्ब थी क्योंकि उसके हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ है। सुयंग का हस्बैंड और इंसु की वाइफ, ये दोनों एक ही कार में थे। इन दोनों को इनकी हस्बैंड वाइफ की चीजें ले जाने के लिए पुलिस बुलाते हैं। पुलिस इंसु से कहते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो इंसु की वाइफ ड्रंक थी। इंसु को शॉक लगता है क्योंकि उसकी वाइफ कभी भी ड्रिंक नहीं करती। इसी बात इंसु और सुयंग ये सब चीजें उठा लेते हैं, इसमें उन्हें प्रोटेक्शन भी दिख सकता है। जिस गाड़ी में इनके पार्टनर्स का एक्सीडेंट हुआ था, ये भी वो नोटिस करते हैं। जो चीजें इन्हें पुलिस स्टेशन से मिली है, इसमें एक कैमरा भी था। इस कैमरा को सुयंग चेक करती है और उसे बहुत बुरा लगता है। इन दोनों के लिए मिस्ट्री है कि उनके लाइफ पार्टनर घर से इतने दूर क्या कर रहे थे। इंसु अपने वाइफ के ऑफिस में कॉल लगाता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने वैकेशन के लिए छुट्टी ली थी। इंसु को उसकी वाइफ कहकर गई थी कि वो काम के लिए जा रही है। अब इंसु और सुयंग, इन दोनों को लगता है कि उनके पार्टनर चीट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि इंसु से मिलने के लिए उसके फादर आते हैं। वो फादर से झूठ कहता है कि उसकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर आई हुई थी। उसे फिर से सिटी में यानी सियोल जाना पड़ेगा जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। ये इंसु के वर्क प्लेस यानी सियोल से बहुत दूर है। वो अपने सब काम छोड़कर यहाँ आया हुआ था तो उसे फिर से घर जाना पड़ेगा। इंसु अपनी वाइफ का फोन चेक करता है पर वहाँ एक पासवर्ड है। वो अलग अलग पैटर्न ट्राई कर देखता है तो फाइनली अनलॉक हो जाता है। इस फोन में उसकी वाइफ और सुयंग के हस्बैंड, इन दोनों में जो भी कन्वर्सेशन हुई थी, ये सब कुछ वो पढ़ सकता है। ये पढ़कर वो बहुत डिस्टर्ब होता है। स्ट्रेस की वजह से उसके नाक से भी खून बहने लग चुका है। जब वो काम पर जाता है तो उसका फ्रेंड उसे एडवाइस करता है कि थोड़े दिन अब तुम ऑफ ले लो। पिछली बार अचानक से शो छोड़कर वो चला गया था, इसी वजह से उसके प्रोड्यूसर उस पर नाराज है। वो फिर से अपनी वाइफ के पास जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पहुंच जाता है। जिस होटल में वो रह रहा था उसी होटल में सुयंग भी रह रही है। एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। इंसु उससे बात करता है, कहता है मैंने पुलिस को कहा कि मेरी वाइफ एक बिजनेस ट्रिप पर आई थी, या तुम्हारे हस्बैंड भी बिजनेस ट्रिप पर आए थे? सुयंग कहती कि हाँ। इंसु बोलता है कि मेरी वाइफ वैकेशन के लिए आई थी, तुमने पुलिस को जो कहा वो सही कहा। इन दोनों को अपने पार्टनर्स के बारे में पता है। ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि इन्हें कुछ भी पता नहीं है। रात में जब इंसु अपनी वाइफ को देखने के लिए आता है तो सुयंग वहां खड़ी हुई थी। उसके हस्बैंड का किसके साथ अफेयर चल रहा था, ये वो देखना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं। जो भी सब इनके साथ हो रहा है तो इन दोनों को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आगे चलकर सुयंग इंसु से बात करती है, पूछती है कि तुम्हें उन दोनों के बारे में कैसे पता चला। इंसु कहता है मेरी वाइफ के फोन में सब मैसेजेस थे। सुयंग से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। कहती है ये जो कैमरा पुलिस ने हमें दिया था वो मेरे हस्बैंड का नहीं था। सुयंग फिर सब मैसेजेस पढ़ती है और इंसु को कैमरा देती है। कैमरे की वीडियो क्लिप में वो देख सकता है कि उसकी वाइफ सुयंग के हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रही थी। इसके बाद वो अपनी वाइफ को देखने के लिए हॉस्पिटल में आया। उसके वाइफ की और सुयंग के हस्बैंड की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, तो किसी से भी बात नहीं कर सकते। इंसु अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड उसे मिलने के लिए आया हुआ है। उसे सहारा देता है और कहता है कि वरी मत करो, तुम्हारी वाइफ ठीक हो जाएगी। जब सब बात इंसु अपने फ्रेंड से कहता है तो उसे बहुत ही शर्मिंदा महसूस होता है। वो फ्रेंड से कहता है यह सब मेरी ही गलती थी, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो अब अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करना चाहता, उसे भी जाने के लिए कहता है। वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था और डायरेक्टली सुयंग के रूम तक आया। उसने उससे कहा मुझे तुमसे बात करनी है, पर वो कोई भी बात कर सके इसकी हालत में नहीं था। सुयंग अपने रूम से बाहर निकल गई और वो वही सो गया। अगले दिन इंसु ने जो भी किया इस सब के लिए सुयंग से वो सॉरी कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इनके पार्टनर्स का एक्सीडेंट किसी और गाड़ी से टकरा कर हुआ था। जो दूसरा आदमी था उसकी डेथ हो चुकी है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल उन्हें कहता है गाड़ी कौन चला रहा था ये अब तक पता नहीं चला है। सेटलमेंट कैसी होगी ये भी अनक्लियर है। ये इन दोनों से कहता है कि उस आदमी के फ्यूनरल पर तुम दोनों को जाना चाहिए। ये उस आदमी के गांव में पहुंचते हैं।
वहाँ पर उसकी मदर इनका वेलकम करती है। उनसे पूछती है, क्या तुम मेरे बेटे के फ्रेंड्स हो? ये सच सच उसे बता देते हैं। सुनकर वो रोने लगती है। कहती है, यहाँ आने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं थी, निकल जाओ यहाँ से। जब उस आदमी के ब्रदर्स को पता चलता है तो इन्हें मार मार कर निकाल देते हैं। ये सब सिचुएशन देखकर इनको बहुत बुरा लगा। घर आते वक्त इंसु बहुत रो रही थी। नेक्स्ट डे इंसु जब अपनी वाइफ का क्लीनअप कर रहा था तो अचानक से वो इंटरेस्ट खो देता है। इंसु अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था। उसे पूछता है, तुमने ये किया क्यों? आज रात भी उसे नींद नहीं आती। बाहर स्नो पड़ा था तो स्नोबॉल बनाकर वो फेंक रहा था। ये सब सुयंग अपने रूम से देखती है। वो भी फिर उससे बात करने के लिए नीचे आती है। वो स्नोबॉल फेंक रहा था तो उसे पूछती है, क्या तुम एथलीट थे? इंसु अपनी प्रोफेशन के बारे में उसे कहता है। वो कहती है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। इंसु को इतना अच्छा नहीं लगता। वो सुयंग से पूछता है कि तुम क्या करते हो? कहती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ। इंसु कहता है कि वो भी बहुत ही हार्ड वर्क है। सुयंग को उसके हस्बैंड ने इस तरह से कभी भी एक्नोलेज नहीं किया था तो ये सुनकर उसे अच्छा लगता है। ये दोनों फिर डिनर करने के लिए एक होटल में आते हैं। सुयंग इंसु से पूछती है, तुम और तुम्हारी वाइफ, तुम दोनों कैसे मिले थे? इंसु कहता है कि मेरी वाइफ फोटोग्राफर थी तो कॉलेज का फोटो लेने के लिए वहाँ आई हुई थी। वो जब अपनी वाइफ के कॉलेज का नाम बताता है तो सुयंग भी कहती है, मेरा हस्बैंड भी उसी कॉलेज में था, शायद तब से वो एक दूसरे को जानते थे। इंसु पूछता है कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड कैसे मिले थे? वो कहती है कि मेरा अरेंज मैरिज था, तुम्हारी वाइफ का करियर था इसलिए शायद मेरे हस्बैंड को पसंद आई होगी। वो इंसु से पूछती है, जब तुम्हारी वाइफ को होश आएगा तो तुम क्या करोगे? इंसु मजाक में कहता है कि मैं उससे रिवेंज लूंगा। ये दोनों इस पर बहुत हंसते हैं। सुयंग भी मजाक मजाक में कहती है कि हम दोनों में अगर रिलेशनशिप हो गए तो दोनों बौखला जाएंगे। इसके बाद इनका डिनर खत्म होता है। अगले दिन लंच भी ये एक साथ करते हैं। इंसु फिर से अपने काम कंटिन्यू करने के लिए सुयंग के साथ सियोल पहुंचता है। एक रात ये बाहर वॉक के लिए आते हैं। इन्हें वॉक तो करना था पर सुयंग को बहुत ठंड लग रही थी। सुयंग कहती है, क्यों ना हम भागते भागते कार तक जाए। ये दोनों फिर ऐसा ही करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर से हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा प्लांट बाय कर सुयंग इंसु को देती है। कहती है, इसका अच्छा सा ख्याल रखना। इंसु भी कहता है, मैं सही से इसका ख्याल रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन फिर से एक दूसरे से मिले। इसके बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। अब नेक्स्ट सीन में सी के पास ही वॉक कर रहे हैं। सुयंग इंसु से पूछती है, तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है? इंसु कहता है, मुझे स्प्रिंग पसंद है। सुयंग को विंटर अच्छा लगता है। इंसु कहता है कि मुझे स्नो भी अच्छा लगता है। वो विश करता है स्प्रिंग में स्नो गिरना चाहिए। इसके बाद एक दूसरे के साथ ही सेल्फी लेते हैं। इंसु ने अभी अभी जो कहा कि स्प्रिंग में स्नो गिरना चाहिए। इन दोनों के फेवरेट सीजन अलग अलग है पर ये चाहते हैं कि दोनों एक हो जाए। इसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है पर इस बात के बाद इन दोनों ने सेल्फी लिया। जो मोमेंट इनके पास है ये कैप्चर कर रखना चाहते हैं। एक दिन एक दूसरे के साथ ही थे तो इंसु के फादर इन लॉ वहाँ आ गए। सुयंग को उसने छिपा दिया और उनके साथ वो आगे चला गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग गए थे। अचानक से हॉस्पिटल में एक दिन इंसु को कॉल आया। उसकी वाइफ अब होश में आ चुकी है। वो उसे देखने के लिए गया पर नर्स ने कहा कि अब ये होश में आ चुकी है पर ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। इंसु फिर अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता है। ये सब सुयंग नोटिस कर रही थी। जो भी हुआ है पर फिर भी वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी। डॉक्टर से पूछती है, मेरे हस्बैंड की कंडीशन में क्या कोई चेंजेस आए? डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं आए। अगर तुम चाहती हो तो सियोल में उन्हें एडमिट कर सकती हो। जिनके साथ तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था वो अब सियोल शिफ्ट हो रही है, यानी कि इंसु अपनी वाइफ को लेकर सियोल जा रहा है। ये सुनकर वो हर्ट होती है। जब वो फिर से इंसु से हॉस्पिटल में मिलती है तो कहती है कि तुम अब खुश होंगे, तुम और तुम्हारी वाइफ सियोल जाने वाले हैं। गुस्से में ही वहां से वो चली जाती है। इंसु फिर से सुयंग से मिलने के लिए आया। उसके साथ वो डिनर पर जाना चाहता था और सुयंग ने उसे मना कर दिया। इंसु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इंसु अब वंडर करता है, अगर हम हमारी लाइफ में बहुत पहले और बहुत बाद मिले होते तो हमारी लाइफ कैसी होती है? उसे लगता है कि ऐसा अगर होता तो इन दोनों की सिचुएशन अब बहुत अलग होती है। इसके बाद डॉक्टर ने सुयंग को कॉल किया और बताया, तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सुयंग के हस्बैंड की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। जब फ्यूनरल होता है तो इंसु भी अपने कंडोलेंस देने के लिए आता है। अब थोड़े दिन गुजर चुके हैं और इंसु की वाइफ अब बात कर सकती है। वो इंसु को थैंक यू कहती है। कहती है, सब चीज़ों के लिए थैंक यू। इसका मतलब है उसने इसके साथ इतना बुरा किया फिर भी इंसु ने उसे हेल्प की, इसके लिए वो थैंकफुल है। एक बार इंसु फिर से सुयंग से मिलने के लिए आया पर सुयंग वहाँ से चली जा चुकी थी। इसके पैरेलल में इंसु के घर के बाहर हम सुयंग को देखते हैं। उसे देख देख कर वो बहुत रो रही थी। इंसु भी बहुत रोया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसु अपनी वाइफ के साथ था। उसकी वाइफ उससे पूछती है, जो भी हुआ इसके बारे में क्या तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी नहीं पूछने?
इंसु कहता है पहले पूछने थे, अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी वाइफ को बता देता है कि सुयांग का हस्बैंड मर चुका है। वाइफ रोने लगती है तो इंसु डोर बंद कर वहां से जा रहा है। इस सीन में इंसु ने कहा कि अब उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अपनी वाइफ को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट सीन में हम उसका सामान भी देख सकते हैं, यानी कि न्यू होम में अब मूव इन कर चुका है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इंसु अपने काम में एंगेज होता है। ये जो सीजन चल रहा है ये स्प्रिंग का है, जो उसका फेवरेट है। अचानक से वहां बर्फ गिरने लगता है, जो सुयोंग का फेवरेट सीजन है। मूवी में हमने देखा है कि इंसु को लग रहा था कि शायद स्प्रिंग और विंटर एक साथ आ जाए, और ऐसा ही हुआ है, यानी कि एक दूसरे से अब वो मिल चुके हैं। इसको जस्टिफाई हमारा नेक्स्ट सीन करता है। हमें स्नो में गाड़ी चलती हुई दिखती है और इन दोनों के आवाज बैकग्राउंड में आते हैं। अब एक दूसरे के साथ ये है, इसी तरीके से समवॉट ब्लैक एंड व्हाइट और हैप्पी एंडिंग हम